मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूर का काम करता हूँ। पहलवान साहब पूरा मिट्टी में घुल मिल चुका है। बारिश होने के कारण लचीली मिट्टी हो चुकी है, गीली हो चुकी है और अटैक करता है बहुत ही विचित्र तरीक़े से। और हो सकता है ये बच्चे डालने के लिए भी आया हो। इसका पेट बड़ा दिख रहा है, दिखने के लिए अजगर का बच्चा दिखेगा ये। और आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन ये सब जो है खुरदरा दुम वाला बोआ कहा जाता है और बिन विषैला होता है। बच्चे जन्म देने वाला ये सांप होता है, 5 से 4 से 6 तक ये बच्चे जन्म देता है। और मिट्टी में इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन इसमें वो डिजाइन जो है लगभग अजगर से मैच करती है। अटैक भी कुछ इसी तरह से करता है कि पता भी नहीं चलता है। और इसकी पहचान जो है काली मिट्टी में पूरी तरह से मैच हो रहा है। दोस्तों ये वैसे तो खेत है लेकिन आप देख सकते हैं इनको लगातार ये सांप दिखाई दे रहा था। अच्छी बात है कि इन्होंने नहीं मारा लेकिन इसकी पूंछ देख सकते हैं पूरी खुरदरी है, इसकी जो शलके दिखाई दे रही है। और इसी के कारण इसको खुरदरा दुम वाला बुआ कहा जाता है, ये इसका गुदा होता है। और मिट्टी में मिट्टी का बुआ जिसे कहा जाता है उसमें से एक ये प्रजाति है। और हर सांप का खाने का मुँह इधर और इधर शौच करता है, विष्टा करता है। और हर सांप को इस तरह रहता है, इन्हें दो मुंह वाला सांप वगैरह बोलते हैं, वो गलत रहता है दोस्तों। और इस तरह से काफ़ी सुंदर सांप, कभी कभी काफ़ी शांत रहते हैं और इतना बड़ा दिखता है, इसलिए हम उसको मैं इसको तो प्यार से पहलवान सांप कहता हूँ। और अटैक भी बहुत खतरनाक तरीके से करता है, ये देखिए इस तरह से, और इसको गुस्सा आया तो, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करता है। लेकिन वैसे बहुत ही प्यारा सांप होता है दोस्तों, इस तरह से हरकतें करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसको किसी प्रकार की तकलीफ ना देके हम सुरक्षित जगह पर इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर बस दिखाई दे रहा था, यहाँ पर इनको लगातार 15 दिन से देख रहा था सांप। अगर बच्चे जन्म देने वाला या अंडे डालने वाला, वो सुरक्षित जगह भी देखता है, साथ में उसको धूप सेकने की भी जरूरत होती है, तो इसलिए वो आया होगा। और इतना काफ़ी सुंदर सा बहुत कम दिखाई देते हैं, हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत अलग सा लगेगा। खुरदरा दुम वाला बुआ या रसेस अर्थ बुआ भी इसको कहा जाता है। बिन विषैला होता है, ये भी बड़े पैमाने में चूहे खाता है, ये किसानों का दोस्त कहा जाना चाहिए। और इससे खतरा कुछ होता नहीं है। बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्प मित्र आनंद चिट्ठी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और शेयर करना बनता है दोस्तों, अगर सांप पहलवान सांप इतना सुंदर सा आपको पसंद आया तो। साथ ही में फेसबुक पेज हमारा फॉलो कीजिएगा सर्प मित्र आनंद चिट्ठी, इस तरह की वीडियो देखने के लिए। आगे भी सांपों की जानकारी देने का ये सफर जारी रहेगा। बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।